आखिर औरत का वह कौन सा अंग हर रात बेशर्म होकर दबाने और चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होने लगती है? लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं? जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है और महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक सच्ची कहानी के माध्यम से बताएंगे कि औरत का वह कौन सा अंग है जिसे हर पुरुष को दबाना और चूसना चाहिए। अधूरी जानकारी विष के समान होती है, इसलिए वीडियो को बीच में ना छोड़ें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या? घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी, एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन की बात है जब वह अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह बहुत ही सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो रामदास उनके सामने जोर जोर से रोने लगा। साधु ने रामदास से कहा, पुत्र तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब रामदास ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं? कितना भी कुछ कर लूं लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूं। मेरा एक छोटा सा धंधा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड़ा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि वह मुझे ताने ना मारे, मुझसे झगड़ा ना करें, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, इसी वजह से मैं घर छोड़कर यहां आया हूं। तब साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें एक काम बताने जा रहा हूं जो तुम्हारी किस्मत चमका देगा। तुम्हें अपनी औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबाना और चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति होने लग जाएगी, तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। साधु जी कहते हैं, जो भी पुरुष औरतों का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है और ना ही उसके घर में लड़ाई होती है। वह जो भी व्यापार करता है उसमें हमेशा तरक्की होती है। साधु जी ने कहा, अब मैं तुमको औरत के उन अंगों के बारे में बताने जा रहा हूं, इसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में इस पर गौर करना। तब रामदास साधु जी महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और कहता है कि जितना जल्दी हो सके मुझे यह बता दो दोस्तों। तभी साधु जी महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि एक नगर में एक किसान रहता था। उसके बहुत सारे खेत थे जिस पर वह दिन रात मेहनत करता था। उसके घर में किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान और उसकी पत्नी में आपस में बहुत ज्यादा प्रेम था। उसके घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं होता था। इसी वजह से उसके घर में सदैव महालक्ष्मी का वास रहता था और उसके खेतों में इतनी ज्यादा पैदावार होती थी कि वह दिन प्रतिदिन और अमीर होता जा रहा था। उस किसान और उसकी पत्नी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन्हें देखकर जल जाया करते थे। धीरे धीरे उसके पूरे गांव के लोग जान गए कि किसान और उसकी पत्नी में बहुत ज्यादा प्रेम है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंच गई। दोस्तों, किसान और उसकी पत्नी की बात जब राजा के पास पहुंचती है तो राजा भी उसके प्रेम की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वह सभी से बताते हैं कि हमारे नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहते हैं जिनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। एक बार की बात है, राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि इस नगर में जितने भी लोग हैं वह सभी अपने घर में घी का दिया जलाएंगे। राजा की पत्नी पूछती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सबके घर में घी का दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं, दीपक प्रेम की निशानी होता है, जिसके घर में घी का दीपक जलता है उसके घर में सदैव प्रेम बना रहता है
और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम किसान और उसकी पत्नी के घर में है वह हमारे पूरे नगर में रह रहे पति पत्नी के बीच हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूं। दोस्तों, राजा के सैनिक जाते हैं और हर जगह नगर में डुग्गी पीट देते हैं और कहते हैं सभी के घर रात भर घी का दीपक जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने घर में दीपक जला देते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन किसान के घर का दीपक वैसे ही जलता रहता है। दोस्तों, दीपक हमेशा किसान की पत्नी जलाती थी, लेकिन उसकी बात नहीं मानती थी। वह हमेशा अपनी मनमानी करती थी, उसका जो भी मन करता था वही काम करती थी, लेकिन किसान को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि किसान बहुत समझदार था। किसान सोचता था, यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। कई चीजें किसान इस वजह से अनदेखा करता था कि उसके घर में प्रेम बना रहे राजा अपने महल को छोड़कर पूरे नगर का नजारा देख रहे थे। उन्होंने देखा कि सारे नगर में किसी के घर में दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन किसान के घर में दीपक जल रहा है। तब राजा अपनी रानी से बोलता है कि देखो, किसान और उसकी पत्नी के घर में दीपक जगमगा रहा है, लेकिन पूरे नगर में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा है। इसी से पता लगता है कि किसान और उसकी पत्नी में कितना प्रेम है। तब राजा की पत्नी राजा से बोलती है कि जो किसान और उसकी पत्नी में प्रेम है वह किसान की पत्नी की वजह से है, और इसी वजह से उसके घर में इतना ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहता है, नहीं, तुम्हारा सोचना गलत है। जो प्रेम किसान के घर में है वह उसकी पत्नी की वजह से नहीं है, बल्कि वह किसान की वजह से है। रानी कहती है कि किसान की पत्नी बहुत ज्यादा समझदार है, आपका सोचना गलत है, और यही वजह है जो कि उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। राजा कहता है कि किसान समझदार है, और रानी कहती है कि किसान की पत्नी समझदार है। दोस्तों, इसी तरह कुछ देर चलता रहा। इसी बात को लेकर राजा और रानी के बीच काफी झगड़ा हो गया। इसके बाद रानी राजा की दाढ़ी उखाड़ ली और राजा ने रानी को उठाकर पटक दिया। इसके बाद राजा कहता है, हम लोगों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम किसान और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लड़ाई करने के बाद इस बात पर राजा और रानी दोनों सहमत हो गए और दोनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब राजा अपने महल में जाता है और एक पुरुष सैनिक को बुलाता है और पुरुष सैनिक से बोलता है कि तुम किसान के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम किसान को बोल देना। वह पुरुष सैनिक बोलता है, ठीक है महाराज। वह सैनिक राजा की बात सुनकर किसान के पास जाता है। उस समय किसान की पत्नी खेतों में गई थी, लेकिन किसान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वह खेतों पर नहीं गया था। इस समय वह सैनिक किसान के घर पहुंच जाता है और किसान से कहता है, मैं राज दरबार से आया हूं, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तभी वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ राजा साहब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है। सैनिक कहता है, किसान, राजा साहब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से दो गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। किसान ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दे, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है। इसके बाद रानी ने कहा कि अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं, जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना, यह बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि रानी क्या बात बतानी है, वह तो बताओ। तो रानी ने
सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकल कर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंढोरा पीट रहे हो? तो सैनिक ने कहा कि राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो? तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी, लेकिन उसकी दोगुना जमीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है, कहती है, ठीक है, यदि मुझे रानी साहिबा देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान ना जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड़ा हुआ है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया? तब उस किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़े दौड़े जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वह तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था किसान? तो किसान की पत्नी ने जवाब दिया कि वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, ये बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ ये काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने रामदास से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो रामदास ने कहा, नहीं साधु जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूं। किसान अपनी पत्नी के साथ जो पहला काम करता था वह है, उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपनी उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है, इसी वजह से जो यह काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। यही वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य यज्ञ पवित्र काम करता है
उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें, तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में ऐसा अनर्थ भी हो सकता है। दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हां, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।